सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है अपने उसी क्रम में आज हम लोगों की रागा की दूसरी क्लास है। जी हाँ दोस्तों, एक क्लास रीजनिंग की मैं ले चुका हूँ रागा की, जिसमें हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग अर्थात जैसे जो हमारे अल्फाबेट के क्रम हैं उनको हमने याद करना सिखाया था कि कैसे जानेंगे कि एक का मतलब क्या हुआ, दो का मतलब क्या हुआ, भी का कोड क्या है, यू का कोड क्या है, जेड का कोड क्या है। दोस्तों, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि हमको याद कैसे करना है, अपोजिट वर्ड हमको कैसे याद करना है, वो सारी चीजें हमने दोस्तों उसमें बताई थी। आज हम उसी क्रम में आगे दोस्तों उस पर क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों जी हाँ, आज हम उस पर क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों, और हम आज आपको 12 क्वेश्चन उसमें का बताएंगे। दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन हम बताएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे दोस्तों, जो कि आपको पीडीएफ आपकी स्क्रीन व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी दोस्तों, टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। ठीक, तो दोस्तों अगर जो है आप उपस्थित हो गए हैं दोस्तों, तो एक बार जय हिंद लिखिए और उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। नीरज, अभिषेक, आशीष, गुड इवनिंग। मोहित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से दोस्तों जय हिंद लिखिए दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद लिखिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग सेशन की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज हम लोगों का रागा का दूसरा दिन है दोस्तों, आज हम लोगों का रागा का दूसरा दिन है, और रागा में हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, रागा में हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ दोस्तों, आज रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, अर्थात रागा का आज हम लोगों का दोस्तों दूसरा दिन है। और बहुत सारे बच्चे दोस्तों आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी दिन प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास दोस्तों रोकनी पड़ गई थी। नहीं तो मैंने कहा था कि एक दिन में आपका एक चैप्टर रीजनिंग का समाप्त होता चला जाएगा दोस्तों, और मजा आएगी, एकदम दमदार क्लास थी दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है विजय। जी हाँ दोस्तों, VIJAY, विजय को WJKBZ लिखा जाता है, WJKBZ लिखा जाता है दोस्तों। तो सुधा को क्या लिखा जाएगा, तो सुधा को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, जल्दी कमेंट करिए, मैं देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं दोस्तों। वर्ड अगर याद होगा तो बिल्कुल बता देंगे दोस्तों, कमेंट करिए दोस्तों। अभी तक एक भी बच्चा दोस्तों सही कमेंट नहीं किया है दोस्तों, कमेंट करिए, बताइए कि सुधा का क्या हो जाएगा। जैसे विजय का ये हो गया दोस्तों, उसी तरह हमको बताना है कि सुधा का क्या होगा दोस्तों। अभी तक एक भी कमेंट सही नहीं आया। शक्ति, एक कमेंट सही आया दोस्तों। आशीष, देवेश का भी सही आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे हमने कहा विजय का होता है WJKBZ, तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं करना, आपको केवल नंबर लिख दीजिए बस। तो दोस्तों हमने बताया था V का मतलब 22, I का मतलब 9, J का मतलब 10, A का मतलब 1, Y का मतलब 25। उसी तरह दोस्तों W का मतलब 23, J का मतलब 10, K का मतलब दोस्तों K11, B का मतलब दोस्तों 2, और Z का मतलब दोस्तों 26। ये है आपका वर्ड दोस्तों, ये है आपका वर्ड दोस्तों। तो हमने अगर इस किसी को ये समस्या आ रही हो कैसे 23 आ गया, कैसे 10 आ गया, कैसे 1 आ गया, 11 आ गया दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3, D का मतलब 4, E का मतलब 5, उसी तरह जो है दोस्तों J का मतलब 10, उसी तरह O का मतलब 15, P का मतलब 16, R का मतलब 18, T का मतलब 20, और Y का मतलब दोस्तों 25, Z का मतलब 26। वो वर्ड है दोस्तों, और उसको याद करने की ट्रिक हमने पिछले वीडियो में बताई है दोस्तों, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यही है, अर्थात हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 22 से क्या हो गया दोस्तों 23 प्लस 1 बढ़ गया, 22 से क्या हुआ दोस्तों 23 प्लस 1 बढ़ गया। फिर दोस्तों देख रहे हैं 9 से 10 प्लस 1 बढ़ गया दोस्तों, फिर देख रहे हैं 10 से 11 प्लस 1 बढ़ गया दोस्तों, फिर देख रहे हैं 1 से 2 प्लस 1 बढ़ गया दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों हर बार 1 बढ़ रहा है, देख रहे हैं दोस्तों हर बार 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब भी यहां भी दोस्तों वही क्रम होगा। तो यस का मतलब यस के बाद क्या आता है दोस्तों टी, यू के बाद क्या आता है दोस्तों वी, डी के बाद क्या आता है दोस्तों ई,
और यच के बाद क्या आता है दोस्तों, आई। ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी। हम देख रहे हैं दोस्तों कि V के बाद W हुआ था, क्योंकि V के बाद W आता ही है दोस्तों। I के बाद J, J के बाद K, K और A के बाद B, Y के बाद Z। मतलब देख रहे हैं दोस्तों एक एक हमारा बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है दोस्तों। तो यहां भी एक एक बढ़ा के लिख देंगे, तो यस में एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, डी में एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा ये। अर्थात हमने क्या किया दोस्तों, एक बढ़ाते चले गए, तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा टी वी ई आई बी, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा होगा, क्या कह रहा है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन था ना समझ में आया हो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हमने कहा दोस्तों किसी भी चीज के लिए परेशान मत होइएगा दोस्तों, सिर्फ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जरूर आएगा दोस्तों, जरूर आएगा। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, आज आपने शेयर नहीं किया है, एक बार जल्दी से शेयर करिए दोस्तों, हर जगह फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एकदम तहलका मचा दीजिए दोस्तों, हम लोग एयरफोर्स के बंदे हैं दोस्तों। चलते हैं, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉवेल को क्यू आर ई ओ एच लिखा जाता है, यानी कि नॉवेल को एन ओ बी एल ई, नॉवेल को क्या लिखा जाता है दोस्तों, देखिए लिखा है क्यू आर ई ओ एच लिखा जाता है, तो प्लेट को क्या लिखा जाएगा, पी एल ए टी ई, प्लेट को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यही प्रश्न है आपका। हमने कहा दोस्तों परेशान मत होइए, यन है दोस्तों, ओ है, बी है, यल है, ई है, और यहां देख रहे हैं क्यू है, आर है, ई है, ओ है, एच है। तो चलिए दोस्तों, यन का मतलब 14, ओ का मतलब 15, बी का मतलब 2, यल का मतलब दोस्तों 12 और ई का मतलब दोस्तों 5, क्यू का मतलब 17, आर का मतलब 18, ई का मतलब 5, ओ का मतलब दोस्तों 15 और एच का मतलब 8। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे ये बना, दोस्तों। तो देखिए कभी भी कोडिंग डिकोडिंग में अगर बनता है दोस्तों, तो या तो जोड़ने पर बनेगा, या तो घटाने पर बनेगा, या तो दोस्तों अपोजिट वर्ड में बनेंगे दोस्तों। तो हम देख रहे हैं, पहले जोड़ना देख लीजिए, यहां 14 है, यहां 17 है, मतलब कितना बढ़ा दोस्तों, 3 बढ़ा, 14 में 3 बढ़ गया 17, 15 में 3 बढ़ गया दोस्तों 18, 2 में 3 बढ़ गया दोस्तों 5, 12 में 3 बढ़ गया दोस्तों 15, और 5 में 3 बढ़ गया दोस्तों 18। देख रहे हैं दोस्तों 3-3 बढ़ रहा है हमारा, तो 3-3 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 3 बढ़ाइए। ये P है, P में 3 जोड़िए दोस्तों, तो क्यू आर एस। यम है तो यल के बाद फिर यम एन ओ। ए है तो बी सी डी। टी है, टी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यू वी डब्ल्यू। उसके बाद दोस्तों ई है तो एफ जी एच, अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, एस ओ डी डब्ल्यू एच। जी हां दोस्तों, एस ओ डी डब्ल्यू एच, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए, बताइए दोस्तों अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। केवल पहला देखिए कितने के अंतर पर है, और उसके बाद दूसरा जो है कर लीजिए दोस्तों। मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों। अगर मजा आ रही हो, समझ में आ गया हो दोनों क्वेश्चन दोस्तों, तो जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों। क्या क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कैश को सी ए एस एच, कैश को दोस्तों ई सी यू जे, ई सी यू जे लिखा जाता है, तो बैंक का कूट क्या होगा, बी ए एन के, बैंक का कूट क्या होगा दोस्तों। याद रखिएगा डायरेक्ट मतलब कि कह रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोस्तों, मतलब जो आपका ये चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों जो ये कूट है अर्थात अल्फाबेट के दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा हर चीज हम लोगों को तैयार रखनी है, और इस बार जॉब लेकर ही रहनी है दोस्तों, इस बार जॉब लेकर ही रहनी है दोस्तों। देखिए कैश को ई सी यू जे लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों कैश क्या है दोस्तों, सी, सी का मतलब 3, ए का मतलब 1, यस का मतलब दोस्तों 19, यच का मतलब 8, ई का मतलब 5, सी का मतलब 3 और यू का मतलब दोस्तों 21, जे का मतलब 10। अब देखिए दोस्तों
क्या हुआ इसमें, कैसे ये बना दोस्तों? देखिए उस तरह भी आप बिना इसको गिनती लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गिनती लिख के करेंगे दोस्तों तो बहुत जल्दी होगा, और क्योंकि हमको पता है कि रागा में हमको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है दोस्तों, समय बहुत कम रहता है। और वाई ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप क्वालिफाई करने का मतलब ही दोस्तों यही है कि रागा आपकी, रागा में रीजनिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए, रीजनिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए दोस्तों, और रीजनिंग की मैथ आपकी मजबूत होनी चाहिए। रीजनिंग की मैथ का मतलब जो अंक गणित आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कुछ भी नहीं, एकदम आसान है दोस्तों। सुनिएगा, 3 से 5 हुआ क्या जुड़ा दोस्तों, 2। 1 से 3 हुआ दोस्तों क्या जुड़ा, 2। 19 से 21 हुआ दोस्तों क्या जुड़ा, 2। तो हम बस केवल 2 या 3 हल करिए और देख लीजिए, अगर जुड़ रहा हो दोस्तों तो वही नीचे भी जोड़ दीजिए। मतलब 2 जुड़ रहा है, 2 दोस्तों जुड़ रहा है, बी में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बताइए, बी के बाद सी डी, तो डी हो गया दोस्तों। ए में 2 जोड़ेंगे तो बी सी, फिर एन में 2 जोड़ेंगे तो एन ओ पी, फिर के में 2 जोड़ेंगे तो एल एम, तो हो जाएगा दोस्तों डी सी पी एम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी सी पी एम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। बताइए कहीं दिक्कत है तो कोई दोस्तों, कहीं कोई समस्या है दोस्तों? ये है दोस्तों, कठिन नहीं है दोस्तों। हमने कहा दोस्तों कि ये आपका एक ही दिन का चैप्टर था और उस दिन आपका समाप्त हो जाता दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। चौथा कह रहा है, सांकेतिक भाषा में साधना को यक्ष यफ आई यम यफ यस यफ लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, मैं लिख देता हूं दोस्तों। कह रहा है साधना को दोस्तों यक्ष यफ यम यफ यस यक्ष, रुक जाइएगा दोस्तों, यक्ष यफ आई यम यफ यस यफ कहा जाता है, तो माधुरी को क्या कहा जाएगा दोस्तों, माधुरी को क्या कहा जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर साधना को यह लिखा जाता है दोस्तों तो माधुरी को क्या लिखा जाएगा? तो मैंने कहा दोस्तों कुछ नहीं, पहले आप एक लिख लीजिए, अर्थात 19 1 3 ए बी सी डी, डी आपका 4 है दोस्तों, यच 8 है, 1 है, यन आपका 14 है, ए आपका 1 है, यक्स आपका 24 है, यफ आपका 6 है, आई आपका 9 है, यम आपका 13 है, यफ 6 है, यस आपका 19 है और यफ 6 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें हुआ क्या दोस्तों, इसमें देखते हैं हुआ क्या। यहां पर आपका यस था, यहां पे आपका यस था, यानी कि 19 4 8 1 14 1, अर्थात क्या हो रहा है देखिए, यहां पे 19 है दोस्तों, यहां पे 24 है, अर्थात क्या हुआ दोस्तों, 19 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों 24 हो जाए, तो 19 में दोस्तों 19 में अगर 5 जोड़े दोस्तों, 19 में अगर 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 24 हो जाएगा, ठीक। फिर 1 में क्या जोड़े दोस्तों 6 हो जाए, 1 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 हो जाएगा। फिर दोस्तों 4 में क्या जोड़े, तो 4 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 9 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 13 हो जाएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 हो जाएगा। तो केवल 2 या 3, जैसे अगर बड़ी बड़ा वर्ड रहे तो 2 या 3 बदलिए दोस्तों, अगर देख रहे हैं वही चीज है तो फिर बदलने की जरूरत नहीं। मतलब जैसे देखे पहले दूसरे तीसरे चौथे में देख लिए 5 आ रहा है, तो अर्थात अब आगे करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब में भी 5 जोड़ दीजिए दोस्तों। तो यम है ना, यम है ना दोस्तों, तो आप चाहे तो इसमें भी नंबर लिख के कर सकते हैं और उंगली से भी। तो यम के बाद क्या होगा दोस्तों, यन ओ पी क्यू आर, ए के बाद बी सी डी ई एफ, डी के बाद ई एफ जी एच आई, यच के बाद आई जे के एल यम, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर आर के बाद यस टी यू वी डब्ल्यू, और आई के बाद दोस्तों जे के एल एम एन, अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, आर एफ आई एम जेड डब्ल्यू एन। जी हाँ दोस्तों, आर एफ आई एम जेड डब्ल्यू एन। जी हाँ दोस्तों, अर्थात जो सही जवाब है दोस्तों आपका सही जवाब चौथा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है, मैं उंगलियों पर जैसे देख रहे होंगे दोस्तों, आप केवल ऊपर वाला करिए और नीचे वाला उंगलियों पर आप बता दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है सांकेतिक भाषा में कूट आर यू
यम यस जेड का अर्थ पी आर आई एन टी प्रिंट है, ठीक यहां पे लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों प्रिंट है, तो यफ यू यम यस क्यू का अर्थ क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आर यू यम यस जेड का अर्थ प्रिंट है दोस्तों, तो यफ यू यम यस क्यू का अर्थ क्या होगा बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, देखते हैं कि आप लोग हल करते हैं कि नहीं, बताइए दोस्तों। नील सही जवाब दे रहे हैं आप, नील प्रताप सही जवाब है आपका, अभिषेक सही जवाब है, आशीष सही जवाब है, महल सही जवाब है आपका, देख रहा हूं दोस्तों सही, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों आप लोग, लेकिन सारे लोग जवाब नहीं दे रहे हैं दोस्तों। लाइक करिए दोस्तों, एक बार लाइक करिए, जय हिंद लिखिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों आपके लिए जो है लगातार क्लासेस चल रही है, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा दोस्तों आपकी। इस बार एयरफोर्स आपको निकालना है दोस्तों, पक्का इस बार निकालना भाई आपको। तो देखिए दोस्तों अब हुआ क्या, क्या लगा है इसमें देख लीजिए, पहले आर का मतलब दोस्तों 18, यू का मतलब दोस्तों 21, यम का मतलब दोस्तों 13, यस का मतलब दोस्तों 19, जेड का मतलब दोस्तों 26, पी का मतलब 16, आर का मतलब 18, आई का मतलब 9, यन का मतलब 14, टी का मतलब 20। अब लगा लीजिए दोस्तों क्या हुआ, देख रही है देखिए यहां पे दोस्तों, यहां 18 है और 18 से दोस्तों क्या हो गया, देखिए 18 से दोस्तों हो गया 16। मैंने कहा दोस्तों या तो आपका प्लस में होगा, या तो आपका माइनस में होगा, या तो आपका अपोजिट वर्ड लिखा होगा, ठीक, केवल यही तीन चीज। अगर आपको कूट दिया गया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग दी गई है, तो उसमें केवल तीन चीज होती है दोस्तों, या तो जोड़ा जाएगा, या तो घटाया जाएगा, या तो क्या किया जाएगा दोस्तों, या तो आपका अपोजिट वर्ड लिखा रहेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों 18 में क्या घटा दोस्तों, -2। यहां 21 है दोस्तों, 21 से हो गया 18, अर्थात 21 में क्या घटा दोस्तों, 3। 21 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तभी 18 आएगा। फिर यम है 13 दोस्तों, 13 और यहां 9, तो 13 में से क्या घटा है, अर्थात 4 घटा दोस्तों। फिर देखिए इसमें 2 घटा, इसमें 3 घटा, इसमें 4 घटा, यहां 19 है दोस्तों और 14, अर्थात आपकी 5 घटेगा, फिर यहां 6 घटेगा दोस्तों, देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्या है 26 से 6, तो देख रहे हैं दोस्तों, अर्थात पहले 2 घटा, 3 घटा, 4 घटा, मतलब एक एक आपका क्या हो रहा है, घटने में बढ़ रहा है। तो यफ अब यहां पे दोस्तों नंबर सीधा नहीं लिखा जाएगा, अभी होता अगर प्लस होता तो डायरेक्ट यफ में जोड़ देते उतना, लेकिन यहां पे दोस्तों घट रहा है इसलिए लिखना जरूरी है। तो यफ का 6 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, यम का 13 हो जाएगा, यस का 19 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा दोस्तों। तो पहले वाले में दोस्तों क्या घटाना है, 2 घटाना है, तो 6 में 2 घटाइए 4, इसमें 3 घटाइए दोस्तों 18, 13 में 4 घटाइए दोस्तों तो 9, और 19 में 5 घटाइए दोस्तों 14, और 17 में 6 घटाइए दोस्तों तो 11। अब लिख लीजिए 4, 4 का मतलब दोस्तों D, 18 का मतलब R, 9 का मतलब I, 14 का मतलब N और 11 का मतलब K, 11 दोस्तों, ठीक। तो ये है अर्थात, इसको I करिए दोस्तों, तो डी आर आई एन के, जी हाँ दोस्तों डी आर आई एन के आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आपका क्या, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों पांचवें का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए, कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए और बताइए कहाँ दिक्कत है, कहीं भी कोई भी समस्या हो रही है दोस्तों कमेंट करिए और बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। तो देख रहा हूं सर सब लोग बोल रहे हैं मजा आ रही है, अगर दोस्तों मजा आ रही हो तो तुरंत अंगूठा ऊपर दोस्तों होना चाहिए, मजा आ रही हो दोस्तों तो अंगूठा ऊपर होना चाहिए। मैं समझ सकता हूं उन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों जिनको कोड नहीं याद है, तो कल वाली क्लास आप जरूर देखिए दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों कि सुबह 10 बजे वाली क्लास और शाम को 7 बजे वाली क्लास दोस्तों, ये दो क्लास आप कभी मिस मत कीजिएगा दोस्तों, ये दो क्लास कभी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। जो 4 बजे की प्रैक्टिस बैच है उसको आप मिस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में देख लीजिएगा, लेकिन ये सुबह वाली क्लास और दोस्तों ये शाम वाली क्लास 7 बजे वाली, ये दोनों क्लास आप लोग लाइव देखा करिए, हमारे साथ देखा करिए दोस्तों। तो दोस्तों बताइए दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, मजा आ रहा है दोस्तों, बताइए कि मजा आ रहा है सर जी, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। सांकेतिक भाषा में टेक्सटाइल TEXTILE टेक्सटाइल को RCVRGJC लिखा जाता है, तो नायलॉन को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा, NYLON, नायलॉन को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा दोस्तों, यही चीज है दोस्तों। कहीं भी समस्या हो दोस्तों तुरंत बताइएगा दोस्तों।
अब देखिए टी टी ट्वेंटी मैच होता है दोस्तों, ई ई का पांच होता है दोस्तों, यक्स 24 होता है दोस्तों, टी ट्वेंटी मैच ही होता है दोस्तों, आई का दोस्तों 9 होता ही है, यल का दोस्तों के 11 है, तो यल का 12 हो गया और ई का मतलब 5 हो गया दोस्तों, आर का मतलब दोस्तों क्या है 18, सी का मतलब दोस्तों क्या है 3, वी का मतलब क्या है दोस्तों 22 और R का मतलब दोस्तों क्या है 18, G का मतलब क्या है दोस्तों 7, G7 सम्मेलन होता है ना दोस्तों, और G का मतलब 7 और J, J का मतलब दोस्तों 10 और G का मतलब दोस्तों 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों हमने बोर्ड पर लिखा इसलिए तीर लगा के लिखा, आप लोग उसी के नीचे नंबर लिखिएगा दोस्तों, आप लोग इसी के नीचे नंबर लिखिएगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों 20 से 18 हुआ अर्थात कितना कम हुआ दोस्तों 2 कम हुआ, 5 से 3 हुआ कितना कम हुआ दोस्तों 2 कम हुआ, 20 से 22 हुआ दोस्तों कितना बढ़ा दोस्तों 2 बढ़ा, अर्थात दोस्तों देख रहे हैं यहां से यहां तक अर्थात 3 में क्या हो रहा है दोस्तों 3 में घट रहा है और 20 से दोस्तों क्या हुआ 18 हुआ अर्थात ये भी घट रहा है, 9 से क्या हुआ दोस्तों 7 है और 12 से क्या हुआ 10 है, 5 से क्या हुआ 7 है, अर्थात दोस्तों क्या हुआ देख रहे हैं क्या हो रहा है देख रहे हैं ना कि आपका यहां से लेकर के यहां तक आपका घट रहा है और केवल एक आपका बढ़ रहा है, तो अर्थात आखिरी वाला आपका बढ़ेगा दोस्तों बाकी सब आपका घट जाएगा, तो एक आपका बढ़ रहा है ई से जी हो रहा है दोस्तों एक बढ़ रहा है बाकी सब घट रहा है कितना 2-2, तो 2-2 घट रहा है अर्थात ये 14 है दोस्तों, ये आपका 25 है, ये आपका 11 है, ये आपका 15 है दोस्तों और ये आपका 14 है, तो लास्ट वाला बढ़ रहा है दोस्तों 14 से क्या यानी कि 2 बढ़ रहा है ना देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है, तो ये 2 बढ़ रहा है दोस्तों, तो 14 में 2 जोड़ दीजिए तो 14 15 16 हो जाएगा और बाकी सब देख रहे हैं दोस्तों 2-2 कम हो रहा है तो 13 हो जाएगा दोस्तों, ये 9 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो 12 का मतलब क्या हुआ दोस्तों के 11 होता है, के 11 होता है तो यल, 23 का मतलब यल का मतलब यल के बाद 23 का मतलब डब्लू और 9 का मतलब दोस्तों आई, 13 का मतलब दोस्तों यम और 16 का मतलब दोस्तों पी, ये है दोस्तों यल डब्लू आई यम पी, जी हाँ दोस्तों यल डब्लू आई यम पी, तो हम देख रहे हैं दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, समझ में आया हो दोस्तों तो तुरंत लाइक करिए, अंगूठा ऊपर करिए दोस्तों, लगना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कल वाली क्लास मतलब पिछली क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, सारा चीज वही है, इसमें कुछ समझाना नहीं है दोस्तों, कुछ भी समझाना नहीं है, अगर कल वाली क्लास आप अच्छे समझ लिए होंगे दोस्तों तो ये सब एकदम आसान है, केवल वही कोड लिख दीजिए, कोड लिखने के बाद देखिए जुड़ रहा है आपका कि घट रहा है आपका कि आपका जो है क्या हो रहा है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, वही परिवर्तन कर देना है बस। जैसे आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सांकेतिक भाषा में पी ओ एल आई एस एच पोलिस को यम एल आई एफ पी ई लिखा जाता है तो डी आई जी को क्या लिखा जाएगा, जी हाँ दोस्तों डी आई जी को क्या लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं दोस्तों, यम क्या है 16, पी क्या है दोस्तों 16, ओ क्या है 15, यल क्या है 11, आई क्या है 9, यस क्या है 19, यच क्या है 8, सारा हमने लिख दिया दोस्तों, यहां पे यम दोस्तों 13, यल दोस्तों 11, आई दोस्तों 9, यफ दोस्तों 6, पी दोस्तों 16, ई दोस्तों 5, अब देखिए हो क्या रहा है दोस्तों, यहां 16 से क्या हुआ 13 हुआ कितना कम हुआ दोस्तों 3 कम हुआ, यहां 15 से दोस्तों 11 हुआ कितना कम हुआ 4 कम हुआ, यहां दोस्तों 11 से 9 कितना कम हुआ 2 कम हुआ, फिर यहां दोस्तों अर्थात P से M जब गए दोस्तों तो कितना कम हुआ 16 से 13 अर्थात 3 कम हुआ, ठीक, O से L गए दोस्तों तो 15 से 11 हुआ अर्थात कितना कम हुआ 4 कम हुआ दोस्तों, 11 से फिर यहां गए दोस्तों तो 11 से 9 अर्थात कितना कम हुआ दोस्तों 2 कम हुआ, फिर दोस्तों 9 से 6 गए कितना कम हुआ 3 कम हुआ, फिर दोस्तों 19 से 16 गए कितना कम हुआ 3 कम हुआ, फिर दोस्तों 8 से 5 गए कितना कम हुआ दोस्तों 3 कम हुआ, अर्थात यल दोस्तों यहां पे है, यहां पे यल है, यहां पे आई है यल 11, आई का 9 9 2 11, कुछ गलत है क्या दोस्तों, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, पी ओ एल आई एस एच, हाँ ठीक है, यम यल आई यफ
पीई, सही है दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं। तो देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं कि तीन कम हो रहा है पहले में, दूसरे में चार कम हो रहा है, तीसरे में माइनस दो कम हो रहा है, तीन कम हो रहा है, तीन कम हो रहा है। रुकिएगा दोस्तों, कुछ गलत है दोस्तों इस प्रश्न में, दोस्तों कुछ रॉन्ग है इस प्रश्न में, दोस्तों कुछ गलत किया गया है। सांकेतिक भाषा में पुलिस को इसमें लिखा जाता है, तो डीआईजी को क्या लिखा जाता है दोस्तों, देख रहे हैं कि ये पूरा क्रमय चेंज हुआ है दोस्तों। अगर हम इस तरह से कहें तो डी में तीन का, डी का मतलब चार दोस्तों, आई का मतलब नौ, इसका सात, इसमें तीन कम करिए, इसमें चार कम करिए, इसमें दो, तीन कम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक आ जाएगा अर्थात ए, यहाँ पे पांच आ जाएगा दोस्तों अर्थात ई, और यहाँ पे पांच आ जाएगा दोस्तों अर्थात ई, अर्थात इस तरह दोस्तों ए ई ई होना चाहिए, ठीक। तो ये कुछ गलत है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात कहीं पर गलत है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात आपका गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आठ पर, क्वेश्चन नंबर आठ पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आठ आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों। एल ओ एस ई लोज, एल ओ एस ई को, एल ओ एस ई को यम क्यू, यम क्यू, यम क्यू वी आई लिखा जाता है, तो जी ए आई एन गेन को क्या लिखा जाएगा, जी ए आई एन गेन को क्या लिखा जाएगा। जी हां दोस्तों, हमने कहा दोस्तों कुछ नहीं करना, क्रम लिख लीजिए, यल इलेवन, ठीक, के इलेवन, तो यल आपका ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक। पिछले वाले में दोस्तों यही गलत किया था हमने, पिछला वाला क्वेश्चन दोस्तों, पिछला वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने, पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने बताया भी नहीं दोस्तों, पुलिस में यल का हमने 11 लिखा था, पी ओ एल आई एस एच, पुलिस को यम एल आई एफ पी ई, अर्थात पी 16, ओ 15, यल आपका 12, आई आपका 9, एस आपका 19, और एच आपका 8, यम आपका 13, यल आपका 12, आई आपका 9, एफ आपका 6, पी आपका 16 और ई आपका 5, अर्थात यहां माइनस 3 हुआ, यहां माइनस 3 हुआ, यहां माइनस 9 है, 9 से 6 माइनस 3 हुआ दोस्तों, फिर 12 से 9 माइनस 3 हुआ दोस्तों, 15 से 12 माइनस 3 हुआ दोस्तों, 16 से 13 माइनस 3 हुआ दोस्तों, अर्थात माइनस 3 हो रहा है दोस्तों। तो उसी तरह पूछ रहा था डीआईजी का क्या होगा, तो अब आप लोग कर लेंगे ना दोस्तों, डीआईजी कर लेंगे ना दोस्तों, क्या है दोस्तों, 4 9 7, तीन घटा दीजिए तो ए, यहां पे तीन घटाइए तो एफ, और यहां पे तीन घटाइए तो 4, और 4 का मतलब दोस्तों डी, यानी कि ए एफ डी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, सातवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ये है, हमने कहा दोस्तों कि केवल आपको कोड याद रखना है, और अगर आप कोड सही रखेंगे तो प्रश्न आपका सही रहेगा दोस्तों, ये चीज था दोस्तों। आगे हम लोग आठवां कर रहे थे दोस्तों, बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं डीआईजी वाला, आप लोग बताइए, बताए भी नहीं। अच्छा दीपक, हाँ दीपक कहे थे सर आप गलत लिख रहे हैं कोड, ठीक है देखा। तो दोस्तों ये था, मतलब कि अगर आपको कोड पता है दोस्तों, कोड अगर गलत नहीं करेंगे तो प्रश्न आपका सही आएगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवां, एल ओ एस ई लूज को एम क्यू वी आई लिखते हैं दोस्तों, तो गेन को क्या लिखेंगे। जी हां दोस्तों, गेन को क्या लिखेंगे, तो देखिए यल, यल का आपका हो गया 12, ओ का हो गया 15, यस का हो गया 19, ई का हो गया 5, यम का हो गया 13, क्यू का हो गया 17, वी का हो गया 22, और आई का हो गया दोस्तों 9। अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है देखिए, 12 और 1 13, 15 और 2 17, 19 और 3 22, 5 और 4 9, मतलब एक एक लगातार बढ़ता जा रहा, पहला एक बढ़ा, दूसरा दो बढ़ा, तीसरा तीन बढ़ा, चौथा चार बढ़ा, पांचवा पांच बढ़ा, छठवां छह बढ़ेगा, सातवां सात बढ़ेगा। तो इसी तरह जी, जी का सात होता है दोस्तों, ए का एक होता है, आई का नौ होता है, और एन का 14 होता है। पहले में एक बढ़ाइए अर्थात यच, दूसरे में दो बढ़ाइए दोस्तों तो ए के बाद बी सी, तो सी, तीसरे में तीन बढ़ाइए तो आई जे के यल,
और यन में चार बढ़ाइए दोस्तों तो ओ पी क्यू आर, तो ये है दोस्तों यच सी एल आर। जी हाँ दोस्तों यच सी एल आर, कहीं दिक्कत हो दोस्तों बताइए, कहीं दिक्कत हो दोस्तों बताइए। तो ये हमने दोस्तों 8 क्वेश्चन उसी नियम के हमने सॉल्व किए दोस्तों, और सीट आपको दोस्तों व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, कहीं समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा, उसको सॉल्व करके मैं बताऊंगा, मतलब कि व्हाट्सएप पर उस पर टेलीग्राम चैनल पर जो डाउट वाला आपका ग्रुप है दोस्तों वहां पे मैसेज करिएगा तो हम आपको बताएंगे कि उसका क्या होगा दोस्तों। ठीक, तो 20 क्वेश्चन दोस्तों, ये सीट है पूरी दोस्तों, ठीक ये पूरी सीट है दोस्तों, पूरी सीट है ये आपको जो है उस पर दी गई है दोस्तों, इसका ये जो अभी करवा रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है, तो वहां से जो है आप उसको सॉल्व करिएगा, कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिएगा बताइएगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों जय हिंद तुरंत लिखिए दोस्तों, आज आपके कमेंट नहीं पढ़ पाया सॉरी दोस्तों उसके लिए, आज मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाया उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि देखिए जब हल करते रहते हैं दोस्तों तो इधर देखते हैं, अब इधर देख रहे हैं तो कमेंट तो आपका दिखता नहीं है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, जय हिंद, हम लोग भारत के प्रेमी हैं दोस्तों, और भारत प्रेमी हैं तो लाइक बनता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार धन्यवाद।